मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व मंत्री चितरंजन स्वरूप की छठवीं पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर सपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने चितरंजन स्वरूप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया, जिसमें जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन, सपा नेता गौरव स्वरूप, शौरव स्वरूप बंटी, पूर्व विधायक अनिल कुमार, जिला कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। सपा नेता गौरव स्वरूप ने बताया कि पुण्यतिथि के अवसर पर सभी ने संकल्प लिया कि वे पूर्व मंत्री चितरंजन स्वरूप के सपनों को साकार करने का काम करेंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का भी कार्य करेंगे। इसके साथ ही कहा कि पूर्व मंत्री चितरंजन स्वरूप द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास कराए गए थे, इसलिए उन्हें विकास पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। गौरव स्वरूप ने बताया कि मुजफ्फरनगर में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को अब भी जनता याद करती है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे सभी समाजवादी साथियों ने, सभी लोगों ने मेरे पिता स्वर्गीय श्री चितरंजन स्वरूप की छठवीं पुण्यतिथि पर एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रोग्राम रखा है। मैं हृदय की गहराई से सभी समाजवादी पार्टी के लोगों और नहीं पूरे समाजवादी पार्टी के नहीं सभी जनता को बहुत बहुत अपनी ओर से हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पिता से लगभग कोई भी ऐसा शख्स नहीं है पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले में क्या अपितु मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में जो उनको प्यार नहीं करता था। उनके पच्चीनों पर चलने का मैं अपने आप में संकल्प लेता हूँ और मेरी भी यही कोशिश है कि उनके नाम को आगे बढ़ाऊँ। जितना काम उन्होंने हर समाज के लिए किया, मैं भी आगे बढ़कर वो काम करूँ। मैं तो उनके नाखून के उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। उनके द्वारा जो जिस प्रकार का स्वभाव, जिस प्रकार से वो लोगों से मिलते थे, कोशिश करता हूँ अपने पास से भी। और मैं सबको अपनी ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा काम नहीं करेगा कि मेरे पिता के नाम पर उंगली उठे। मैं उनका आगे उनके नाम को आगे बढ़ाने का काम करूँगा।